सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, डंकी मूवी की फाइनल स्क्रीन काउंट निकल कर सामने आ चुकी है कि इंडिया से डंकी मूवी को डे वन में कितनी स्क्रीन मिलनी है और डे टू में स्क्रीन कितनी घटकर कितनी हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब डंकी का क्लैश प्रभास की बहुत ही बड़ी मूवी सलार से हो रहा है तो डे टू में जाते जाते उसकी कितनी स्क्रीन अलग हो सकती है। सबसे पहले अगर हम आज की यानी कि डे वन की स्क्रीन काउंट की बात करें तो 21 दिसंबर को डंकी मूवी सोलो रिलीज हो रही है, उसके साथ अभी किसी भी मूवी का क्लैश नहीं है और डे वन में जो स्क्रीन काउंट है वो 4320 निकल कर आया है। जी हां दोस्तों, इंडिया से जो ऑफिशियल स्क्रीन काउंट है डंकी मूवी का वो 4320 स्क्रीन का डे वन में निकल कर आया है, लेकिन वहीं पर डे टू में यानी कि 22 दिसंबर को ये स्क्रीन काउंट घट जाएगा और सिर्फ 3500 स्क्रीन डंकी के पास डे टू में बचने वाली है। अब दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सलार मूवी के साथ इसका क्लैश है और हिंदी बेल्ट से सलार मूवी को कम से कम 2000 स्क्रीन मिलनी ही है और अभी रणवीर कपूर की एनिमल मूवी भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है तो कम से कम 400 से 450 स्क्रीन एनिमल मूवी को दी जाएगी। अब इतने क्लैश के बावजूद डंकी मूवी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आपको जो भी लगता है डंकी से रिलेटेड हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।